हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन लेकर आए हैं। दोस्तों, नेक डिज़ाइन के साथ साथ हम आपको कुर्ती की डिज़ाइनिंग करना भी बताएंगे, किस प्रकार से आप अपनी पूरी कुर्ती को एक बहुत ही खूबसूरत सा लुक दे सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, हमने अपना जो मटेरियल लिया है कुछ इस प्रकार से लिया हुआ है। हमने अपनी थोड़ी सी पेपर फ्यूजिंग ली हुई है और एक एंकर थ्रेड धागा लिया हुआ है मल्टी कलर का। दोस्तों, साथ ही हमने अपनी एक डोरी भी ली हुई है, ये रेडीमेड डोरी है, मार्केट में आपको काफ़ी आसानी से मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों, हमने आपको जितना भी मटेरियल बताया है ये सब मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है, आप आसानी से इसे ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने जो अपनी कुर्ती की कटिंग की हुई है कुछ इस प्रकार से की है। देखिए, यहाँ पर हमने अपना टोटल 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कुर्ती की फिटिंग जो है इधर की तरफ कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे, इसे 2 भाग में अलग अलग कर लेंगे 20 सेंटर से। तो ये हमने 2 भाग में अलग अलग पीस कर लिए हैं दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों, हम आपको अपना एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं। दोस्तों, मैसेज ये है, हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com, जहां पर आपको बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत ब्लाउज के डिजाइंस, कुर्ती के डिजाइंस और आप अपनी फेवरेट एक्टर्स के आउटफिट्स के बारे में भी जान सकते हैं, मतलब कि उन्होंने कौन सी ड्रेस कौन से फंक्शन पर पहनी हुई है। अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट जरूर करें। अब इसके बाद दोस्तों, हम इन दोनों भाग में से एक भाग ले लेंगे जो हमारा राइट हैंड वाला भाग है। तो इसके बाद दोस्तों, हम अपने इस पीस को क्या करेंगे, इस तरीके से उल्टा कर लेंगे और उल्टा करने के बाद में इसी के बराबर लंबाई में हम एक पेपर फ्यूजिंग लेंगे और इसकी चौड़ाई दोस्तों हमने 2 इंच रखी हुई है। इसको हम इस तरीके से चिपकाएंगे, यहाँ से 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इधर की साइड पर। पेपर फ्यूजिंग चिपकाने के बाद में दोस्तों, आप इसे इस तरीके से सीधा कर लें और सीधा करने के बाद में आपको क्या करना है, जितना भी आप नेक रखना चाहते हैं उतना ही भी छोड़ते हुए नीचे की तरफ 2-2 इंच पर मार्क लगा लें। तो देखिए दोस्तों, हमने अपनी कुर्ती के एक पार्ट पर पूरे इस तरीके से निशान लगा लिए हैं। इसके बाद हम अपने इन निशानों पर डोरी में से छोटे छोटे पीस किए हुए हैं हमने, इसमें इन पर इन्हें सेट करेंगे। तो कैसे करेंगे दोस्तों सेट, देखिए इसको पहले इस तरीके से मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद में दोस्तों, पहला निशान छोड़ते हुए हम दूसरे निशान पर इस तरीके से इसे फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद में दोस्तों, इसी निशान से हम अपना एक कपड़ा लेंगे, कुर्ती के बराबर लंबाई में है और इसकी चौड़ाई 3 इंच है, इसको हम इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और जितना मार्जिन हमने अपनी पेपर फ्यूजिंग में छोड़ा हुआ है उतना ही मार्जिन दबाते हुए हम सारी लूप को अटैच करेंगे। दोस्तों, इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, लूप आपकी सारी एक बराबर होनी चाहिए, ऐसा ना हो कोई छोटी और कोई बड़ी हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपनी सारी ही लुपियाँ और पट्टी जो है अटैच कर दी है। इसके बाद दोस्तों, हम इस पट्टी को इस प्रकार से खोलेंगे और खोलने के बाद इस पर फिनिशिंग से प्रेस करते हुए इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे प्रेस की मदद से। तो देखिए दोस्तों, कपड़े को फोल्ड करने के बाद में दोस्तों, हमने यहाँ पर एक फोल्ड और कर दी है जिससे कि हमारी पेपर फ्यूजिंग कवर हो जाए। इस तरीके से दोस्तों, हमने पूरे ही कपड़े को कर लिया है। अब इसके बाद दोस्तों, हम अपनी मशीन के नीचे एंकर थ्रेड धागे को लगा लेंगे। तो ये हमने अपना एंकर थ्रेड धागा बॉबिन में भर लिया है और बॉबिन में भरने के बाद इसे जब हम डब्बी में लगाएंगे तो डब्बी का पेज जो है फुल लूज कर लेंगे। और इसके बाद दोस्तों, हम यहाँ पर सबसे पहले किनारी पर सिलाई लगाएंगे। और दोस्तों, हम आपको यहाँ पर एक बात और बता दें, एंकर थ्रेड धागा जो होता है वो हमेशा मशीन के नीचे ही चलाया जाता है, जिसकी वजह से आपकी सिलाई जो है कुछ इस प्रकार से देखिए आती है सीधी तरफ। इसी तरीके से दोस्तों, हम अपनी पूरी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पर अपनी पूरी सिलाई को इस तरीके से सीधी तरफ कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद दोस्तों, हम क्या करेंगे, फिर से इसे उल्टा करेंगे और इस सिलाई के बराबर में 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए फिर से सिलाई को कंप्लीट करेंगे।
ये देखिए बाहर से हमारा जो लुक है वो बहुत ही खूबसूरत आता जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पर एंकर थ्रेड धागे की सिलाई जो है लगा ली है। और ये सिलाइयाँ दोस्तों हमने 5 लगाई हैं, अगर आप चाहें तो 6 भी लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप इसे उल्टा करें, और उल्टा करने के बाद में आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर पेपर फ्यूजिंग और ये आपका कपड़ा एक्स्ट्रा है। तो आपको क्या करना है, हाथ से यहाँ पर हेमिंग कर लेनी है। तो इसको हम बाद में कर लेंगे, अब हम आपको बताते हैं नेक कैसे काटा जाएगा। तो दोस्तों नेक काटने के लिए हमने ये अपनी पेपर फ्यूजिंग ली हुई है, और इसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद में अपनी नेक की चौड़ाई का और लंबाई का मार्क लगाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये हमने अपने स्ट्रेट वी नेक का एक मार्क लगा दिया है। इसके बाद दोस्तों आपको इसकी बाहर की तरफ चौड़ाई कितनी रखनी है, आपको रखनी है 2.5 इंच, मतलब के 2.5 इंच। तो ये हमारे नेक की मार्किंग हो गई है, अब हम सेम मार्क पे अपनी इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा स्ट्रेट वी नेक इस प्रकार से कट गया है। अब आपको क्या करना है इस नेक में दोस्तों, आपको इस नेक में 20 सेंटर से इनको दो पार्ट में अलग अलग कर देना है, और कुर्ती के ही सेम कपड़े पे चिपका लेना है। तो देखिए दोस्तों, हमने अपने नेक के दोनों ही पीस को कपड़े पर चिपका लिया है, और कपड़े पर चिपकाने के बाद में दोस्तों अपने नेक के अंदर हमने जो खूबियाँ रखी हैं ये जान लीजिए। दोस्तों हमने अपने नेक की जो ब्रॉडनेस रखी थी वो रखी थी 7 इंच, तो 7 इंच का हाफ करके होता है 3.5। तो हमने यहाँ पर एक साइड पर अपना 3.5 का कपड़ा छोड़ते हुए बाहर की तरफ नेक को चिपका लिया है, और थोड़ा कपड़ा बाहर की तरफ छोड़ने के बाद ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया है। ऐसे ही सेम हमने अपने दोनों पार्ट पर किया हुआ है। अब हम सबसे पहले अपने इस वाले पार्ट को कुर्ती में बनाएंगे। तो कुर्ती में बनाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने इस कुर्ती के पार्ट पर 3.5 पर मार्क लगाना है। ये हमने मार्क लगा लिया, और अब हम यहाँ पर इस तरीके से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने इस नेक को इसके ऊपर इस प्रकार से तिरछा सेट करना है। ये देखिए, ये हमने यहाँ पर इस तरीके से सेट कर दिया, और सेट करने के बाद में यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, सिर्फ यहाँ पर लाकर उतार देंगे। और दोस्तों अगर आपको इसी तरह के खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर विजिट ज़रूर करें, जिसका नाम है www.rooffashionpoint.com, जहां पर आपको हमारे सारे डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे एक साथ, और कुछ अलग तरह के डिज़ाइन भी आपको देखने को मिलेंगे। और एक्स्ट्रा मार्जिन हम थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए कटिंग कर देंगे, और इसके बाद दोस्तों हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद पहले तो इस तरीके से नाखून मारेंगे, और नाखून मारने के बाद दोस्तों इसको अंदर की तरफ को हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। और फोल्ड करने के बाद में दोस्तों आप देख रहे हैं जो ये कपड़ा बाहर निकल रहा है, इसको हम क्या करेंगे, प्रेस की मदद से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद इस पे दोस्तों हाथ से हम हेमिंग कर लेंगे, मतलब कि तुरपाई। इसी प्रकार से दोस्तों हम अपने दूसरे वाले कुर्ती की साइड पर नेक को कंप्लीट करेंगे। तो इसको भी कंप्लीट करने के लिए दोस्तों आपको सीधी तरफ पे 3.5 इंच का मार्क लगाना होगा। देखिए यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हैं हमारी कुर्ती का सीधा भाग है, और हम इसके ऊपर भी अपने इस नेक को इस तरीके से फिक्स करेंगे, और फिक्स करने के बाद सिलाई लगाकर सेम तरीके से बना लेंगे। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने अपने नेक पर प्रेस लगाकर इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। पहले हमने देखिए इसको फोल्ड करा, और इसको फोल्ड करने के बाद में हमारे नेक की जो फिनिशिंग है कुछ इस प्रकार से आ गई है। इसके बाद दोस्तों हमने अपने दूसरे वाले पार्ट को भी फोल्ड कर लिया है फिनिशिंग के साथ, और जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन था, जो ये देखिए इस प्रकार से हमने जो अपनी कुर्ती में एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा था, इसको भी हमने कुर्ती के उल्टे साइड पर ही फोल्ड कर लिया है। इसके बाद दोस्तों हमने जिस साइड पर अपनी एंकर थ्रेड धागे का काम किया था, इस पे हम यहाँ से यहाँ तक 5 सिलाइयाँ और लगाएंगे एंकर थ्रेड धागे की मदद से, जो कि हमने अपने नीचे भर रखा है बॉबिन में। इसको हम इस तरीके से उल्टा करेंगे, और उल्टा करने के बाद हम ऐसे सिलाई लगाएंगे तो हमारी सीधी तरफ एंकर थ्रेड धागे की सिलाई आएगी। पहली सिलाई दोस्तों हम किनारी पर लगाएंगे, और किनारी पर सिलाई लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, जो ये आपकी मशीन के पीछे धागा निकल रहा है, इस धागे को दोस्तों ये उठाकर इसके अंदर फिक्स कर देना है ऐसे पहले ही। और यहाँ पर दोस्तों आपको एक टाँका सिर्फ पक्का कर लेना है, ताकि आपकी सिलाई दोबारा खुले ना।
तो देखिए दोस्तों, हमारी जो सिलाई है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हो गई है। अब हम इसी प्रकार से क्वार्टर क्वार्टर इंच का मार्जिन छोड़ते हुए 5 सिलाइयाँ कंप्लीट करेंगे। हर बार दोस्तों आपको क्या करना होगा, ये जो धागा है आपकी मशीन के पीछे, इसको आपको अंदर ही कवर करना होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमने अपनी 5 सिलाइयाँ एंकर थ्रेड धागे की लगा ली हैं और कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन आपके सामने बनकर तैयार हुआ है। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, अपनी कुर्ती का दूसरा वाला पार्ट लेंगे। ये हमारी कुर्ती का दोस्तों दूसरा वाला पार्ट है और अब हम क्या करेंगे, इसमें एक पट्टी जोड़ेंगे। ये पट्टी दोस्तों हमने पलट कर बनाई हुई है 1 से 1.25 इंच चौड़ी। और इसको क्या करेंगे, पहले ऊपर से देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद हम अपने इस कुर्ती वाले पार्ट को इस प्रकार से नेक की नोक मिलाकर यहाँ रखेंगे और रखने के बाद में यहाँ से सिलाई लगाकर नीचे तक इसको अटैच कर देंगे। तो दोस्तों ये हमने अपनी पट्टी को अटैच कर लिया है और इसके बाद एक्स्ट्रा पट्टी को हम इस तरीके से कट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अपने दूसरे वाले कुर्ती वाले पार्ट को लेंगे और इसको इस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल मिलाकर रखेंगे। लेकिन हमें क्या करना है दोस्तों, मिलाकर रखने के साथ साथ ऐसे ही लूप हमें और ले लेने हैं जो कि हम यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। तो ये हमने अपनी डोरी के छोटे छोटे पीस इस प्रकार से ले लिए हैं और इनको हम किस प्रकार से लगाएंगे देखिए। इनको हम दोस्तों दो पीसों को एक साथ लेंगे और एक साथ लेने के बाद में इनको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में इनका जो लुक है वो कुछ इस प्रकार से सामने आएगा। तो इसको हम यहाँ पर अपने नेक के बिल्कुल मिलाकर किनारी पर सेट करेंगे और सेट करने के बाद में किनारी की सिलाई लगाते हुए इनको अटैच करेंगे। तो दोस्तों ये हमने अपनी लूप यहाँ तक लगा दी है और इसके बाद दोस्तों हम अपनी पूरी कुर्ती को नीचे तक पट्टी से मिलाकर अटैच कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, अटैच करने के साथ साथ हमने यहाँ पर अपने कुछ बटन भी लगा दिए हैं जिसकी वजह से दोस्तों हमारे पूरे नेक का और पूरी कुर्ती का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये नेक डिज़ाइन हुआ कंप्लीट। आपको हमारा आज का ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक ज़रूर कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों अगर किसी कारण नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आप हमें हमारी वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है www.roofffashionpoint.com।